कि हम गठबंधन में हैं, बल्कि दबाव आज हम लोगों पर बहुत है, लेकिन एक निर्णय की घड़ी आ चुकी है हम लोगों के पास, क्या करना है। कुछ लोग दबाव डाल रहे हैं कि अपने पार्टी को विलय कर दीजिए। दबाव इस कदर है कि आप मेरे साथ चले आइए, आप मेरे साथ चले आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। में हूँ आपके साथ शिवम। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें महागठबंधन में बहुत ही दबाव दिया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, पहले आप वो सुने। फलाफल क्या हुआ, क्या हम लोगों ने निर्णय लिया, तो उस पर रिजोल्यूशन शायद पांडे जी बनाए होंगे और उसको पढ़ लेना चाहिए, सामने सबसे इंडोर्स करा लेना चाहिए। इन इन बातों पर हम लोगों ने विचार किया, तो एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम गठबंधन में हैं, बल्कि दबाव आज हम लोगों पर बहुत है। चाहे जिस गठबंधन में हैं तो, या जिस गठबंधन में नहीं हैं तो, अस्पष्टता हमारी एक कमजोरी रही है। इसलिए मैं कहता हूँ दबाव इस कदर है कि आप मेरे साथ चले आइए, आप मेरे साथ चले आइए। और इसी में नीतीश कुमार जी पूर्णिया में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मांझी जी हम ही सब कुछ आपको देंगे, हम ही आपको सब कुछ बनाएंगे, ये भी सुना आप लोगों ने। तो ये बात जरूर है कि हम लोगों को निर्णय लेना होगा। वैसे कोर कमेटी है, पूर्ण रूप में अभी बात नहीं कर सकते, लेकिन एक निर्णय की घड़ी आ चुकी है हम लोगों के पास, क्या करना है। और एक बात सही है, कुछ लोग दबाव डाल रहे हैं कि अपने पार्टी को विलय कर दीजिए, और मैं समझता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता वोटर कहिए नहीं चाहता है कि हम किसी पार्टी के साथ विलय करें, बात ऐसी है नहीं। तो फिर हम किसी भी कॉस्ट पर किसी भी पार्टी के साथ विलय नहीं करेंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। दूसरी बात इसमें कहना है, ये जो हम कहना चाह रहे थे कि जब हम सेपरेट आइडेंटिटी बना कर रखे हुए हैं, सेपरेट पहचान हमारा रखा हुआ है, तो जो समस्याएं हैं जिनके बारे में हम लोग बहुत बार बोल रहे हैं, राष्ट्रीय या प्रांतीय, तो हम लोग भले संतोष जी मंत्री हैं और मंत्री के रहते वो हमारे मूवमेंट में साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम कार्यकर्तागण, हम पदाधिकारीगण समस्याओं को लेकर के जब सचिन पायलट अशोक गहलोत के अगेंस्ट में अनशन कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, तो जीतन मांझी क्या नीतीश कुमार के अगेंस्ट में नहीं कर सकता। और वो व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक सार्वजनिक जिसकी चर्चा कर रहे थे, हम बोल देते हैं समय समय पर, उसका किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आता, ये दुखद बात है। अभी हाल ही में एक जगह हमने कहा कि भाई जीतन मांझी का, नहीं जीतन मांझी नाम नहीं लिया, हमने कहा कि 2015 में एक निर्णय था कि 5 दिसमिल जमीन देने लेंगे और उनको एक रहने योग्य मकान बनाएंगे जिसमें 2 कमरा रहेगा, गौशाला रहेगा, शौचालय रहेगा और पानी रहेगा, बिजली रहेगी, इस तरह की व्यवस्था हम कर देंगे, जिसमें उस समय, जिस समय 2015 की बात थी,
3,25,000 रुपया खर्च होने की बात आई थी और उस समय व्यास जी थे प्रधान सचिव, हम लोगों ने अंकित किया था कि करीब करीब 7 या 8 लाख मकान बना देने पर यहाँ सेचुरेशन हो जाता है, यानी सबको मकान मिल जाता है। लेकिन आज 5 डिसमिल क्या है, अभी बोल रहे थे चंद्रा जी या कौन कि हमारे वो दरभंगा वाले लोग 1-1 डिसमिल दिया जाता है, या हमारे मुंगेर वाले लोग बोल रहे थे 1-1 डिसमिल दिया जाता है, ये कौन बात है भाई? जब 5 डिसमिल की बात है तो फिर 1 डिसमिल क्या है? 5 डिसमिल कैबिनेट से पारित है तो फिर 1 डिसमिल और 3 डिसमिल और 2 डिसमिल की बात कहाँ आती है? उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेपरेट जो पार्टी बनी है इसीलिए बनी है कि 2015 और 14 में जो निर्णय लिए गए थे उसको इम्प्लीमेंट कराना है। तो आपने साफ तौर पर सुना, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने आज बड़ा बयान दिया और उन्होंने यह तक कह दिया कि लगातार कई लोग मुझ पर यह दबाव डाल रहे हैं कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में कर ले, और इस पर जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं अपने पार्टी का विलय किसी भी दल में नहीं करूँगा। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि नीतीश कुमार ने मुझे पूर्णिया की रैली में ही कहा था कि मैं ही आपको वो सम्मान दे पाऊँगा। साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने यह तक कह दिया है कि महागठबंधन पे मुझे लगातार दबाव दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आज पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है महागठबंधन को लेकर, तो ऐसे में महागठबंधन के नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान सामने निकल कर आता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।